हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल के मीटर कंसोल के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आप लोग बार बार कमेंट करते हो, भाई डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाला वीडियो लेकर आओ, तो वो भी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों का डाउन पेमेंट, फाइनेंस एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली आपको डाउन पेमेंट में लगते हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल के फाइनेंस के बारे में, प्लस बात करेंगे इस बाइक के न्यू मीटर कंसोल के बारे में कि क्या क्या नया अपडेट आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल के बारे में। अगर गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, आपके भाई के आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से 100K होने वाले हैं। तो मैं प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से आप इसमें थोड़ा भागीदारी बन दीजिए और जल्दी से सिल्वर प्ले बटन ला दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। गाइस इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,04,000 रुपीज, 1,04,000 रुपए इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है। बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूंगा, इसकी हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। गाइस ये बाइक हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल 1,25,000 अबाउ, 1,25,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस बात करते हैं नए मीटर कंसोल के बारे में। गाइस नया मीटर कंसोल आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि यहाँ पे अब आप लोगों को इस बाइक में एक न्यू मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है, जिसमें गाइस इसका जो थीम है उसको चेंज कर दिया गया। पहले ओल्ड थीम आता था जिसका डिजिटल मीटर है खासकर, उसमें थीम चेंज किया गया। बेसिकली एनालॉग मीटर सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो न्यू डिजिटल मीटर आप लोग देख रहे हो कि इसमें जो डिजिटल मीटर है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, अलग से तरीके से कस्टमाइज कर दिया गया है। सबसे ऊपर में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि साइड स्टैंड दे दिया है, 20 सेंटर में आपको इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको ये भी मिल रहा है कि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, ये भी एक जो चीज़ है फीचर इसमें ऐड कर दिया गया बजाज की तरफ से। ओडोमीटर मिल रहा है, ट्रिप मीटर मिल रहा है, फ्यूल गेज मिल रहा है। साथ में दोस्तों इस बाइक में मेरे हिसाब से अगर बजाज की तरफ से क्लॉक, जी हाँ क्लॉक एंड गियर इंडिकेटर, ये दो चीज़ें भी अगर ऐड कर दी जाती तो मेरे हिसाब से गाड़ी ना पूरी संपूर्ण यानी कि पूरी मतलब बहुत अच्छी हो जाती। बट यार यहाँ पे बजाज ने पता नहीं ये चीज़ क्यों नहीं की, भाई ये बहुत ज़रूरी था, एक तो गियर इंडिकेटर और एक तो क्लॉक, ये दो चीज़ भी मेरे हिसाब से ऐड कर देनी चाहिए तो ये बाइक और भी बेटर हो जाती है। तो ये था दोस्तों बाइक का न्यू मीटर कंसोल। वैसे इस बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं किसी भी गाड़ी को फाइनेंस कराने के लिए। देखिए अगर आप ITR से लेना चाहते हो तो बेसिकली ITR लगेगा, ठीक है, नहीं तो आपको दो चेक देना रहेगा, ठीक है, साथ में आपकी दो फोटो रहेगी, एक ID रहेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए गाइस अगर आपका खुद का घर है, अगर आपका जो हाउस है वो खुद का है तो आपको बिजली बिल देना पड़ेगा, और अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं बाइक के फाइनेंस के बारे में कि फाइनेंस में दोस्तों आप लोगों को कितने DP में क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछते रहते हो। गाइस देखो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो डाउन पेमेंट रहता है ना वो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, ITR अगर आप फाइल करते हो तो आपका जो DP है काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब जो लोन अमाउंट होगा वो लगभग 90-95% चला जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आपकी सैलरी अच्छी आती है, आपके अकाउंट में शो होती है, तो वहाँ पर भी आपका DP कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका DP, अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं दिखती और ITR नहीं आपके पास, तो फिर DP बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है गाइस। तो ये चीजें जो रहे मैं आपको ऐसे भाई कमेंट में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बाइक के फाइनेंस के बारे में। गाइस यहां पे मैंने 40,000 रुपीज डाउन पेमेंट लिया, जी हाँ 40,000 रुपए डाउन पेमेंट लेकर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप 40,000 रुपए डाउन पेमेंट देते हैं तो जो गाड़ी का प्राइस है वो है 1,25,000 रुपीज, तो 1,25,000 रुपए आपका गाड़ी का प्राइस हो गया टोटल। आपने 40,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दिया गाइस। अब 40,000 रुपए अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है 85,000 रुपीस, 85,000 रुपए आपका बचा हुआ अमाउंट है। अब इसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस लगता है जो कि जिसे आप फाइनेंस करा रहे हो, जैसे बैंक से करा रहे हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी से अगर फाइनेंस कराते हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा क्या देना पड़ता है, प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, तो वो लगभग मेरे हिसाब से 5,000-6,000 रुपए लगता है। तो यहां पे मैंने 6,000 रुपए ऐड किया। अगर आप 6,000 रुपए जब प्रोसेसिंग फीस है तो आपका जो टोटल फाइनेंस अमाउंट हो जाएगा यानी कि आपका जो लोन अमाउंट है वो हो जाएगा 91,000 रुपए। अच्छे से सुनिए, 91,000 रुपीस आपका टोटल अमाउंट जो है वो फाइनेंस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट बहुत तरीके का होता है,
अगर आईटी आ रहा है तो आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10% लिया है, जी हाँ 10% से हम इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हैं। जब आप 10% से इंटरेस्ट रेट निकालते हो गाइस इसका एक साल का, कल का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 9100 रुपीज़, जी हाँ 9100 रुपये जो हो का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा एक साल के लिए। अब हम एक साल की ईएमआई निकालते हैं, ठीक है। अब एक साल की ईएमआई निकालने के लिए आपका जो फाइनेंस अमाउंट है गाइस वो है 91,000। तो 91,000 में आप 9100 को प्लस कर दोगे तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 101,000 रुपीज़। तो आपका टोटल जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,100 रुपीज़, 1,100 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि आपको एक साल में पटाना है। अब एक साल में आपको पटाना है तो ऑब्वियसली वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 12 मंथ यानी कि आप 12 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 8,300 रुपीज़, जी हाँ 8,300 रुपये के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई बनेगी जो कि आपको मंथली पे करनी है कब तक, 1 ईयर 12 मंथ तक गाइस। तो ये था 1 ईयर के लिए। अब बात करते हैं 2 ईयर्स के लिए अगर आप फाइनेंस कराओगे तो क्या रहेगा गाइस। अगर आप मान लीजिए 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं, ठीक है, अब 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट है 9100 रुपीज़, जब आप 2 साल का निकालेंगे तो 2 साल का आ जाएगा 18,200 रुपीज़, 18,200 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना है कितने साल में, 2 साल में 24 मंथ में। और आपका जो फाइनेंस अमाउंट है 91,000, तो 91,000 प्लस 18,200 कर दोगे 1,09,200 रुपीज़, 1,09,200 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि आपको 2 साल में पे करना है। अब 2 साल में इसको निकालने के लिए आपको ईएमआई निकालने के लिए आप इसे कितने से डिवाइड कर दोगे, 24 से। जब आप इसे 24 से डिवाइड करोगे तो 4,550, जी हाँ 4,550 रुपये के आसपास का आपको मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी कितने साल तक, 24 मंथ तक, 2 साल तक। तो ये आपका 2 साल का हो गया। अगर हम बात करते हैं 3 ईयर्स के बारे में, तो 3 ईयर्स में दोस्तों वैसे तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि 3 ईयर्स के लिए फाइनेंस मत कराओ, काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी हो जाता है, बट कई लोग कराते हैं भाई। तो 3 ईयर्स के बारे में अगर हम बात करें, 3 ईयर्स में दोस्तों ऐसा रहेगा कि 3 साल में आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपका 1 साल का इंटरेस्ट था 9100, अगर आप 3 साल के लिए निकालते हैं तो 9100 × 3 कर दोगे तो आपको जो अमाउंट आएगा वो आएगा 27,300 रुपीज़, जी हाँ 27,300 रुपये सिर्फ आप एक्स्ट्रा पे करोगे, सिर्फ ये आपका इंटरेस्ट है। तो सजेस्ट करूंगा कि ना ही करो तो बेटर है, ठीक है। और उसमें दोस्तों आप लोग अपना जो फाइनेंस अमाउंट है उसको प्लस कर दोगे 91,000, तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि आपको पे करना है वो आ जाएगा 1,18,300 रुपीज़, 1,18,300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा कितने सालों में, 3 सालों में। जब आप 3 साल की ईएमआई निकालेंगे तो आप इसे 36 से डिवाइड कर दोगे, ऑब्वियसली 3 साल में कितने मंथ होते हैं, 36 मंथ होते हैं। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी गाइस वो आएगी 3,286, 3,286 रुपये आपको मंथली पे करना पड़ेगा इस बाइक के लिए। तो ये था दोस्तों 3 साल का। तो ये था दोस्तों पल्सर 150 ट्विन डिस्क के न्यू मीटर कंसोल के बारे में एक छोटा सा अपडेट। उसके बाद मैंने आप लोगों को फाइनेंस के बारे में बताया कि फाइनेंस का प्रोसेस कैसा रहता है, क्या ईएमआई बनेगी आपकी, क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हर एक स्टेट में आपको इतना ही देखने को मिलेगा, 100-200 रुपये इधर उधर आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सकें।